ओम शांति तो कई कई प्रकार के प्रश्न पूछते जो नए नए आते हैं ना मिलने जुलने के लिए इसलिए हम एक दिन में बाबा की पूरी हिस्ट्री आपको सुना देते। एक विचित्र कहानी है दिव्य और अलौकिक है जीवन कहानियां दुनिया में बहुतों की पढ़ी प्रैक्टिकल में देखी भी कैसे बदलती रहती है महात्मा गांधी कल क्या था हमारे जीवन में था क्या था और क्या से क्या बन गया क्या से क्या काम करके दिखाया प्रैक्टिकल में था तो एक साधारण मनुष्य ना सामने गांव भी है गांव में क्या काम किया कैसे किया पीछे कैसे अफ्रीका में गया फिर कैसे आया सब, सब पता है तो चेंज आने में देरी नहीं लगती है आज कुछ है कल कुछ का कुछ बन सकता है तो बाबा की जीवन में शुरू करती हूँ कि आज से लगभग उन्नीस की बात हैदराबाद है। है सिंध में दादा लेखराज के नाम से नामी ग्रामी व्यक्ति थे धनी थे दानी थे कृष्ण के अन्य अन्य भक्त थे गीता के प्रेमी थे गीता के पाठ के बगैर नहीं पान करते थे गुरुओं में अटूट श्रद्धा थी और यहाँ तक भावना थी कि गुरु ऐसा मुझे मिले जो मुझे भगवान का दीदार करावे दर्शन करावे इसलिए जिस किसी का नाम सुनते थे ना ये बिल्कुल पहुंचा हुआ है तो वो गुरु करके प्रैक्टिकल में उनके संग में रह के एक ही आश रखते थे कि मुझे एक बार भगवान का दर्शन हो जाए लेकिन जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर की आश अंदर में रह गई मनुष्य यानी देहधारी के द्वारा उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो 1936 में बाबा का परिवार है हैदराबाद सिंध में था परंतु बिजनेस कलकत्ते में था बिजनेस भी बहुत ऊंचा था हीरे जवाहरात का बिजनेस था राजाओं रानियों में उसको बहुत मान प्राप्त होता था क्योंकि ज्वेलर जो होता है ना उनका राजाओं से रानियों से घनिष्ठ कनेक्शन होता है इसलिए राजाओं के दरबार में बाबा को बहुत बड़ा मान प्राप्त होता था क्योंकि लोग जानते थे कि ये ऐसा व्यक्ति है सत्यवादी है जिबान बदलती नहीं है जो दाम है सो दाम है परंतु और बातों में धर्म का नाम लेके झूठ बोलना ये कहना वो बाबा ने जानता था न वो करता था तो लोगों को मालूम था बाबा के बारे में तो 1936 में बाबा अपने बिजनेस से कार्यवश्य हैदराबाद से ने कलकत्ता से सीधा ही बम्बई में गया और बम्बई में बाबा के मित्र का मकान था और वहां हर रोज बाबा भोजन सात्व की खाता था बाबा ने जीवन में शराब कबाब मीट अंडा कभी भी स्वीकार नहीं किया था और भक्त होने के कारण उनके सारे परिवार के अंदर भक्ति भाव था तो जब बाबा कलकत्ते से बम्बई में गया है तो ऐसे मित्र के घर में ठहरते थे जहां सत्य संग भी मिले और जहां भोजन भी बाबा को शुद्ध मिल सके तो बाबा का ही कोई रिश्तेदार था तो जब जाता था हमेशा तो नई बात तो थी नहीं इस बार भी बाबा वहां पहुँची हैं तो गीता का सत्संग चल रहा है तो गीता का सत्संग चलते चलते सुनते सुनते न अचानक ही परम पिता परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी ये आंखें बंद हो गई और अंदर का ज्ञान का नेत्र अंदर का दिव्य नेत्र खुल गया तो उनको अचानक ही दिव्य साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ साक्षात्कार होते ही आप जान सकते हो जो प्यासी आत्मा होंगी जो मिलनी चाहती होंगी उसका अंतर किस कैसा खिर गया होगा तो बाबा का चेहरा बहुत खिरा हुआ था जैसे बहुत कुछ उसको प्राप्तियां हो रही है तो उस समय जब दर्शन हो रहा था सभा पूरी हो गई तो सब बाबा को देखने लगे कि आज बाबा को क्या हुआ है बाबा आज सत्संग से नहीं उठता है तो सब बाबा के सामने जैसे आप बैठे वैसे वो बैठ गए बाबा को देखती रही देखती रही तो बाबा के चेहरे से उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ दर्शन हुआ है आज कुछ इसका लक खुला है जो भगवान ने इसकी मन की आशा को पूरा किया तो जब बाबा के नेत्र खुले तो करंट ऊपर वाले की ऐसी चालू थी आलमेटी बाबा की जो उसकी करंट से बाबा ने जिस किसी को देखा ना जो उसके सामने रिश्तेदारी बैठे थे सत्संग में उन सबको भी ऐसा दिव्य साक्षात्कार हुआ कि वो भी गुम हो गई कुछ आत्माएं सब नहीं कुछ गुम हो गई और उनको भी दिव्य दर्शन होने लगा एक को हुआ दूसरे को हुआ तीसरे को हुआ चौथे को हुआ इधर हुआ उधर तो ये लीला देख करके दूसरे लोग सोचने लगे कि आज तो ऐसा लगता है कि प्रभु की लीला चल रही है प्रभु अपना दर्शन दे रहा है हम सबको ये क्या हो रहा है सब आश्चर्य से चमक उठे कुछ समय के बाद वो बाबा के पास में बैठ कर के बाबा का सारा आदर्श देख कर के बाबा जब होश में आ गए तो बाबा ने देखा ये सब मेरे सामने बैठ गए हैं तो बाबा ने पूछा क्या हुआ बच्ची आज सत्संग पूरा हो गया तो उन्होंने कहा हाँ बाबा सत्संग तो पूरा हो गया लेकिन ऐसा लगा कि आज आप अपने आप में नहीं हो और आपकी दृष्टि से जिसकी को साक्षात्कार दृष्टि मिली वो साक्षात्कार में चला गया बाबा आपने इसको दृष्टि दी ये भी दिव्य दृष्टि में चली गई वो भी दिव्य दृष्टि में चला गया तो बाबा खुद में पर गया बोला मैंने तो नहीं देखा किसी को मुझे मालूम नहीं है कौन सी शक्ति थी जिसने आपको देखा और जिसने आपको दिव्य दर्शन कराया पर मेरी आंखें जरूर होंगी लेकिन मुझे मालूम नहीं है मुझे मेरा साक्षात्कार मुझे आज हुआ है वो मेरी आश पूरी हुई भगवान ने पूरी की बस मैं उसी में मगन हूं फिर बाबा को परमात्मा से वरदान मिला विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और उससे एक वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्व तुम तत्व के ऊपर बाबा का ध्यान गया कि ये किसने कहा और कैसे कहा तत्व का क्या रहस्य है मैं वो कैसे हूं तो परमात्मा ने उनको साक्षात्कार करा के ऐसा अनुभव कराया जो बाबा क्या फील करता है कि मेरी लाइफ में अंदर ही अंदर कुछ चेंज आ रही है खुशी, शांति, शक्ति के के प्रेम के बह रहे हैं बस बाबा फूला नहीं समाता था ऐसे लगातार बाबा को कई साक्षात्कार मुंबई में होते रहे बाबा को लगा कुछ प्लान है परमात्मा का मेरे बारे में मेरा कुछ भाग्य खुल रहा है भगवान को मेरे से कोई सेवा लेनी है तो परिवार को पत्र लिखा बंबई से हैदराबाद सिंध में तो सिंध में सबको पता लगा बाबा को ऐसे अचानक ही बाबा की लाइफ में नया मोर आ गए हैं और बाबा को दिव्य दर्शन होने लगे हैं फिर जब बाबा हैदराबाद सिंध में आए तो घर वाले उस इंतजार में थे जब बाबा को देखा तो बाबा बदला हुआ सबको नजर आया सारी दिनचर्या चेंज उठना बैठना देखना बस बाबा को जैसे एक अलौकिक एक मस्ती चली हुई थी और एकांत में रहना कहाँ तो उनके पांच बच्चे थे उनके पोतरे पोतरिया थी उनमें प्यार मिलना झुलना खिलाना बच्चों को टू मच प्यार था जैसे परिवार में कोई कोई होता है ना परिवार से बहुत प्यार होता है और अब जैसे बाबा न्यारा न्यारा एकांत में बैठता है और भगवान से एकांत में बैठ के जैसे बातें कर रहा है अंदर ही अंदर उसका मनन चिंतन चल रहा है ये क्या होने वाला है मुझे क्या करना है क्या क्या अनुभव हो रहा है फिर थोड़े समय घर वालों ने फील किया अब बाबा ने फील किया कोई शक्ति मुझे खींच रही है तो थोड़े टाइम की फुर्सत निकाल करके बाबा बनारस की तरफ चले गए और वहां पर बाबा को एक रात अचानक ही सोया हुआ था जैसे इसको कोई जगाता है उठो जागो उठो जागो बाबा की जब आंख खुली तो देखा लाइट ही लाइट है परंतु कोई है नहीं मेरे सामने तो ये किसने आवाज़ किया उठो जागो कौन है आश्चर्य में उठ खड़ा हुआ फिर दरवाजा खोला तो बाहर जाता है तो देखता है लाइट का ही रास्ता बन जाता है और जाता जाता कोई स्थान बना हुआ है जैसे बने हुए थे बगीचे में स्थान वहां पर बैठ गया रात्रि का समय बाघ बहुत बड़ा मालूम है बाबा को जनावर निकलते बड़े बड़े जहरीले परंतु तो बाबा को ईश्वरी शक्ति खींच के ले गई और बाहर जाके बैठ गए थली पर फिर परमात्मा ने उसको दूसरा बारी दिव्य दृष्टि दी ये आंखें तो अपना काम करती हैं वो अंदर की आंख ने अपना काम किया तो जब बाबा को दिव्य दृष्टि मिली तो परमात्मा ने इसको कलयुगी सिटी का महाविनाश दिखाया कि कलयुगी सिटी का महाविनाश कैसे होने वाला है तो पहले देखा भारत में कैसे सिविल वार के द्वारा मौत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे देखभान में आकर के लड़ की नदियां बह रहे हैं तो बाबा घबरा गया एकदम जैसे बाबा रो रहा है कि ये क्या हो रहा है अब प्रभु को पुकार रहा है प्रभु जी बचाओ बचाओ फिर फटाफट दूसरी सिनाई कुदरती आपदाएं कहीं बार कहीं भूकंप कहीं आग कहीं तूफान भूखापन सुखापन इसमें मनुष्य चिल्ला चिला के मरते जा रहे तो बाबा और भी घबराने लगा रोने लगा फिर रोने का आवाज कोठी में बाबा के रिश्तेदारों ने सुना वो आई तो देखा तो बाबा का रोने का आवाज आज दिन तक रोया नहीं ये क्या हुआ तो शायद कोई ऐसा जहरीला जानवर है उसने कुछ चक मारा है या क्या है तो देखा बाबा तो ध्यान में है पर रो रहा है घबराया हुआ है तो सब से खड़े हो गए फिर तीसरी सीन दे, अंदर देखी ऊपर तो से अग्नि बाण छूट रहे हैं बांस की वर्षा हो रही है सारी सिटी की दवाई हो गई तो कुछ समय के बाद जब बाबा होश में आए तो बाबा ऐसे ऐसे करके चारों ओर देखने लगा कि मैं कहाँ हूं वो क्या हुआ वो जो रत की नदियां बही वो तो यहाँ एक रत्न की बूंद भी नहीं है एक भी लाश नहीं है तो ये सब किसने दिखाया और क्यों दिखाया मैं सोया हुआ नहीं मेरा स्वपन नहीं मेरी कोई कल्पना नहीं ये किसने दिखाया बस बाबा का ध्यान परमात्मा में चला गया ये परमात्मा ने मुझे जैसे अर्जुन को विराट रूप में सब कुछ महाविनाश दिखाया आज प्रभु ने मुझे इतना बड़ा महाविनाश दिखाया है जो बाबा उस पर घबराया हुआ था फिर तो बाबा को जिगरी वैराग आ गया इतना जिगरी वैराग आ गया तो जैसे ये सिटी बाबा ऐसा ही देखता ये कब्रस्तान है ये कब्रस्तान हुई पड़ी है क्यों परमात्मा से जब बाबा ने बातें करना शुरू की तो परमात्मा के द्वारा उसको आवास मिला उठो जागो कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में होने वाला है उठो तुम्हें विश्व का कल्याण करना है तुम्हें विश्व का कल्याण करना है अब बाबा गहरे सोच में विश्व कहाँ और मैं कहूं मैं विश्व का कल्याण कैसे करूंगा ये मुझे किसने कहा कैसे कहा क्या करना है गहरे सोच में इतनी मीठी चिंता में बाबा चला गया जो बाबा को न खाना अच्छा लगता है न पीना न बिजनेस अच्छा लगता है सब सब पीका लगने लगा अब बाबा उसी गहराई में है कि अब मुझे क्या करना है प्रैक्टिकल में फिर बाबा को जैसे डायरेक्ट मिलता है डायरेक्शन मिलता है आदेश मिलता है अब तुमको ये करना अब तुमको ये करना है तो अलग ही बाबा को अंदर परमात्मा की शक्ति ने आवाज़ दिया कि तुमको अभी ये करना है जैसे प्रेरणा कहने तो बस बाबा को आलमेटी ने प्रेरणा दी कि सबसे पहले तुमको अपना विनाशी जो धन है धंधा है उसको समाप्त करना है तेरे काम में आने वाला नहीं है अब तुमको ज्ञान रत्नों का दान करना है जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुमको बांटना है और तुमको महायज्ञ रचना है ज्ञान जिसको हम ईश्वरी विश्वविद्यालय कहते हैं वो रचना है और ज्ञान अमृत पीना और पिलाना यही तुम्हारा तो धंधा रहेगा तो बाबा को जैसे बाबा की आलमेटी बाबा की प्रेरणा मिली संकल्प मिला तो बाबा सीधा ही कलकत्ते में चला गया अपने भागीदार को सेटिस्फाई किया कि भाई मैं आपको वैसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ न मैं को मेरे को दुनियावी लाइफ को और आगे बढ़ाना है ये मेरी लाइफ यहाँ फिनिश हुई अभी अब मैं दूसरी लाइन में जा रहा हूं अब मेरे से परमात्मा कुछ और करा नहीं जा रहा ऐसे करके बाबा ने भागीदार को सेटिस्फाई करके वकील को बिठा के अपने बिजनेस को समाप्त किया <coughs> तो बाबा कलकत्ते में थे तो बाबा का एक चाचा था वो संत मूलचंद के नाम से मशहूर था बहुत गुप्त दानी था ऐसे मुठियां भर के दान करता था कभी गिनती नहीं करता था मैंने पांच सौ इसको दिया हजार इसको दिया दस हजार फिर उसका अपमान दिखाना कि मैंने आपको टाइम पर दिया था ये किया था गुप्त दान ये मुट्ठी करे तो इसको पता न लगे इसने कितना किया और गरीबों की खूब सेवा करते थे सड़क पर कोई बीमार को देख नहीं सकता था उनके खाने का फल का फ्रूट का सब प्रबंध वो करता था हॉस्पिटल में जब देखो तो वो चाचा जी की सारी कारोबार चल रही है पेशेंट के पीछे वो काम कर रहा है तो बाबा को उसका भी एक बचपन से ही वो धन बाबा धन कमाता था चाचा के हाथ में देता था, था वो दान में लगा लेता था, था उसको अपना औलाद नहीं था पर धन उसको भी आ रहा था अपने तरफ से और बाबा की तरफ से खैर तो वो चाचा जी की स्थिति थोड़ी डाउन थी शरीर की बहुत बुजुर्ग था मैंने अपनी आंखों से देखा और ये जो हिस्ट्री मैं आपको सुना रही हूँ बहुत थोड़ा टाइम मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा बाकी बाकी सारा टाइम मैंने अपनी आंखों से देखा क्योंकि मेरा घर बाबा के घर के बिल्कुल पास में था तो हम बचपन में बाबा के घर में जाते आते रहते थे बाबा का बेटा और मेरा लौकिक भाई दोनों आपस में दोस्त थे तो दोस्तों ने नाते में बाबा के घर में कोई जज कार्य होता है तो दोस्त कहता है चलो चलो आज मेरे दोस्त के घर में ये है उसने कहा अपने परिवार वालों को भी लेके आना तो सत्संग हुआ किसी उच्च कोटि के महात्मा का तो गई बच्ची की शादी बाबा ने कराई वो मैंने देखी बाबा के कार्य में घर में जो भी जज कार्य होता था ना उसमें तकरीबन में आठ दस बारी बाबा के घर में आई गई तो मैं देखती थी बाबा के घर की विशेषता थी धन था पर अभमान बिल्कुल नहीं था तो भावना इतनी अच्छी रहती थी निर्माणता इतनी रहती थी सबके प्रति बहुत रिगार्ड था सबके अंदर गरीबों के प्रति दान भी करते थे तो अभिमान जरा भी नहीं था ये उनके घर की विशेषता और सोना चांदी पानी अन्न सब प्रकार का दान करते थे उनके बच्चों में भी ये संस्कार पड़ गए जो बाबा दान करता है वो सेम हमको भी करना है नहीं तो बाबा तुम तो महाराजा महारानी बन जाएंगे हम क्या बनेंगे तो बच्चे समझते मेरे पिताजी ने सोना दान किया तो मेरे को भी सोना दान करना है मेरे पिताजी ने आज अनाज अन्नदान किया तो हमको अन्नबिदान करना है ऐसे समझे सारे परिवार में एक बहुत अच्छी भावना थी परंतु ये जो चेंज आई वो मैंने जल्दी ही देखी इतनी जबरदस्त चेंज आज दिन तक तो देखी नहीं आयु भी छोटी थी कोई बड़ी तो थी नहीं परंतु मेरे संस्कार कुछ ऐसे थे आध्यात्मिक तरफ इसलिए मेरी रुचि थी तो जैसे मैं बाबा के घर में आई पहले दिन सत्संग सुना ओम की धुनी लगी बस ओम की धुनी नहीं थी पर मेरे लिए ऐसे था जैसे कोई जादू की बंसरी बजी बस मन खिंच गया और शांति में ऐसा मन लग गया कि बस दिल करता था मैं शांति में बैठे रहे पहला तीर लगा और जीवन में चेंज आ गए और लक्ष्य मेरा जीवन का बदल गया कि मैं ये ये काम नहीं करूंगा शादी वादी ये नहीं मैं ये समाज की अच्छी सेवा करूँगी जैसे बाबा ने काम किया जैसे हमारी मम्मा ने काम किया ऐसे मैं भी करूंगी तो बचपन से ही लक्ष्य पक्का हो गया और बाबा को जब भी हमने देखा क्योंकि बाबा कलकत्ते से फिर हैदराबाद सिंध में आए घर वालों ने देखा बाबा की लाइफ में बिल्कुल चेंज है रात दिन बाबा की दिनचरा में बिल्कुल कंप्लीट चेंज सारी सारी रात बाबा नींद नहीं करता है भगवान से बातें करता है फिर जो बातें सुनता है वो लिखता रहता है कागज के कागज लिख कर के खड़ा कर देता है फिर बाबा के रिश्तेदार मित्र बच्चियां बउआ जो आती थी बाबा के कमरे में ही तो देखती तो बाबा ने बहुत कुछ लिख कर रखा है पहले तो कभी लिखा नहीं था अभी लिखना शुरू हुआ तो क्या लिखता है बाबा सब ने पढ़ना शुरू किया सब ने अपनी कापी उतारनी शुरू कर दी एक एक महावाक्य में इतनी शक्ति जो लिखे परे उसका चित्त शांत हो जाए बस जीवन का लक्ष्य उनके सामने क्लियर हो के हमको क्या करना क्या नहीं करना अब बाबा को भी वंडर लगे कि मुझे ये ज्ञान कौन दे रहा है कौन सी शक्ति मेरे पीछे है तो विनाश के बाद विनाश का साक्षात्कार करने के बाद धंधा समाप्त करके जब हैदराबाद के तरफ आ रहे थे तो चाचा जी की अंत अविस्था थी शरीर की तो बाबा को टेलीग्राम गई तो भाई आप जल्दी आ जाओ तो जैसे बाबा आने ही वाले थे चाचा जी की मृत्यु पर तो बाबा को उस समय में इतनी मस्ती चरी हुई थी जो टेलीग्राम एक कराई है घर में कि अल्लफ को अल्लाह मिल गया अल्लफ मींस आत्मा आत्मा को अल्लाह मिल गया बे मींस भागीदार भागीदार को जूठी बाछाई मिल गई क्योंकि फैसला करके भागीदार को अपना हिस्सा दे दिया बाबा ने अपना हिस्सा ले लिया आई तार अलफ को अलफ मीन्स आत्मा को तार आई है हुआ रेल में राही छोर के जूठी बादशाही लौट रहा हूं वतन को तो घर वालों ने पढ़ा अलफ कौन बे कौन बाछाई कौन सी कैसी बाबा सब कुछ छोर के आ रहा है इंतजार था बाबा को देखने का और बाबा को क्या हुआ है जो इतना बाबा आ, सब कुछ छोड़ कर किया लौट रहा है पर जब घर में आया बाबा को सबने देखा तो सब घर वाले स्त्री को अनेक प्रकार के दिव्य दर्शन बाबा से होने लगा दो बहुआ थी दोनों बड़े बड़े घरों की थी दोनों बहुओं को बाबा से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और साक्षात्कार होने लगे तो वो भूल गए कि ये हमारा ससुर है बस हमको हमारा पिता मिल गया या कहेंगे हमको भगवान मिल गया स्त्री को भगवान मिल गया घर का वातावरण एकदम चेंज हो गया भाई बाबी बहन जो बाबा के बिल्कुल नजदीक वाले साथ रहने वाले थे अब सारा प्रभाव पहले घर वालों के ऊपर पड़ा फिर आने वालों के ऊपर पड़ा पढ़ते 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 ये बात फैल गई सारे शहर में फैल गई कि दादा लेखराज के सामने जो जाते हैं ना उनको भगवान का दर्शन होता है तो इसी बात को लोगों ने उल्टा भी करा और ताल्टा के बरोबर दर्शन होता था परंतु वंडर ये था कि न सिर्फ बाबा की दृष्टि से साक्षात्कार होता था तब तो समझ में आने बाबा ने कराया पर कराने वाले ने वो जादू कर दिया जो जितनी भी कन्याएं माताएं सत्संग में बैठती थी तो हम ओम की धुनि से सत्संग की शुरुआत करती थी जैसे बाबा ने ओम सिखाया तो ओम की धुनी पूरी होती थी तो कई बहने कई भाई ध्यान भी चले डायरेक्ट परमात्मा ने उनको दिव्य दर्शन कराए तो जो अनुभव बाबा को होता था वो उनको दिव्य दृष्टि के माध्यम से होता था तो हम वंडर खाते रोज सत्संग करने जाते थे सत्संग के दिव्य दृष्टि में जो प्रभु की लीला चल पड़ती थी वो हम देख करके आ जाते थे ज्ञान तो सुन नहीं सकते थे पूरा क्योंकि अभी भी आप में से दो चार ध्यान में चले जाए तो आप सब उठने लग जाएंगे कहेंगे क्या हुआ इसको हम देखें उस समय की लीला अपरमा थी फिर आप घर में चले जाते थे ना तो घर में ओम की धुनी मुझे अच्छी लगती थी मैं तर्ज निकाल सकती थी तो मैंने ओम की धुनी सीखी और मैंने घर में जाके ना अपने पड़ोस की लड़कियों को या जैसे होते हैं नज़दीक वाले उनको बिठा करके ना आत्मा का ज्ञान सुना करके ना फिर समझो मैंने ओम की धुनी लगा दी तो धुनी लगा के मैं तो उस धुन में चली गई दो तीन मिनट के बाद देखती हूँ आँख खुली तो मेरी लौकिक बहन ध्यान में चली गई दूसरी एक परोसन लड़की थी वो ध्यान में चली गई सात लड़कियों में से दो जने ध्यान में चली गई और इतनी जोर से गई जैसे वैकुंठ में पहुंच गई कृष्ण से रास रचा रही है अब छतें खुली दीवारें छोटी छोटी और कृष्ण से रास कर रही हैं कभी कृष्ण उधर भाग रहा है तो उसके पीछे भाग रहे कभी उधर भाग रहे तो मैं उसको पकड़ू उसको पकड़ूँ और मुझे डर था कि हमारी माता को थोड़ी एंटी थी कि ये कौन सा तुम्हारा ज्ञान है भक्ति हमने की पूजा पाठ हमने किया व्रत नियम हमने रखा हमको भगवान का दर्शन नहीं होता है और तुम छोटी छोटी बच्चियाँ आई हो हमको भगवान का दर्शन होता है भगवान कोई तुम्हारे लिए हाँ फ्री बैठा है जो तुमको दर्शन देता है तो माँ मानती नहीं थी अब मैंने देखा मैं अपनी बहन को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ वो भागती है कृष्ण के पीछे वो देख रही है उधर उधर ही भाग जाती है फिर मैंने लौकिक माता को बुलाया उसने आके देखा कहा तुमने क्या किया यहां सच बताओ तुमने क्या किया मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया मैं तो ओम की धुन लगा के सत्संग कर रही थी अब ये चली गई ध्यान में उसमें मैं क्या कर सकती हूँ वो कहते है नहीं तुमने जरूर कुछ यूज किया है उसने भी सुना हुआ था मिस मेरिजम क्या होता है ना उसको पता ना मुझे पता मिस मेरिज्म क्या होता है वो भी पता नहीं पर वो माता कहने लगी कि तुमने कुछ किया है मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया तो उसको जब देखा ना तो उसकी आंखें ऐसे करती तो आंखें लाल लाल फिर आंखें बंद हो जाए फिर वो करे डांट लगाने लगी हमको तो मुझे उसी दिन से गहरा निश्चय हुआ कि देखो मैंने तो कुछ नहीं किया मैं तो यू ही ओम की धुनी लगा रही हूँ अब ये ध्यान में चली गई तो ये लीला किसकी है ना तो दादा लेखरा यहां है न कोई वहां की सत्संगी बहन है मैं तो घर में अपने बैठी ओम की धुनी लगाती हूँ परंतु तो ये सब क्या हुआ तो मुझे भी लगा ये भगवान अपनी लीला दिखा रहा है भगवान के दर्शन हो रहे ये भगवान की कमालत है तो फिर रोज मेरी माता कहती है मैं हाथ जोड़ती हूं तुम चली गई तो चली गई दूसरी को आधा रंग लगा हुआ पर तीसरी बच्ची मेरे हवाले कर दो उसको इस सत्संग में मत ले जाओ ठीक है भाई जैसे तुम कहेंगी छोटी बच्ची है तेरे हवाले है तुम रखो उसको अपने पास संभाल के ऐसे हमको निश्चय बैठ गया रोज हम सत्संग में जाते थे बहुतों के दिव्य दृष्टि के अनुभव हमारे सामने आए इतने विचित्र थे जो मैं आपको बता नहीं सकती हूं बाबा की घर वाली बाबा की बच्चिया दादी प्रकाश में जो कल परसों मिली ना आपसे कल सुबह को कल शाम को तो वो जो दादी थी उसको भी बाबा का बनने से पांच दिन पहले दिव्य दृष्टि में श्री कृष्ण के साथ बाबा ब्रह्मा का संपूर्ण रूप सामने आया अब वो दादा को तो कभी देखा ही नहीं था उसने हैदराबाद सिंध में मेरा तो अगर पास में था तो चलो मैंने देखा उसने तो देखा भी नहीं था तो जिस समय उसने बाबा को उस रूप में देखा तो सपन में देख करके वंडर खाने लगी ये कौन व्यक्ति मेरे सपन में आया कृष्ण के साथ वो कौन ऐसा हस्ती है जिसका दर्शन कृष्ण के साथ हुआ है और वो कहता है बच्ची तुम तो उठो जागो तुम्हें विश्व का कल्याण करना है तो उसको आश्चर्य लगा सुबह को उठ के अपनी माँ को बाप को सुनाया मुझे आज ऐसा अनुभव हुआ वो कौन है यहाँ फिर पांच दिन के बाद जब मात इस सत्संग में पहुंची है नया नया सत्संग शुरू हो रहा था तो बस फिर वो स, जो दर्शन था ना वो फिर बाबा के सामने रिपीट हुआ उस दिन से उसका बाबा में भी विश्वास बैठा तब से लेकर के आज दिन तक वो लौके घर में फिर लौट करके गई नहीं और उसका जो फादर था वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था वो जानता था इस बच्ची का भविष्य क्या है तो उसको कहा था कि घर वालों को कहा था कि ये मेरी बच्ची ने शादी नहीं कराएंगी जब ये पंद्रह साल के एज में आएंगी ना तो श्री कृष्ण समर्पण होंगी पर कहा और कैसे वो उसको पता नहीं था तो जब बच्ची ने अपना अनुभव सुनाया माँ बाप को कि ऐसा को अनुभव हुआ ऐसा ऐसा हुआ और फिर बाबा के सामने गई तो सेम वो दृश्य जो था ना रात वाला वो फिर उनके सामने रिपीट हुआ बस ये तो लगता है भगवान खुद अपना काम कर रहा है मैं भगवान की बन करके भगवान की सेवा करूंगी भगवान जो मुझे आज्ञा देगा वो मैं काम करूंगी निश्चय बैठा एक सेकंड में इसलिए जीवन में चेंज आने में कोई देर नहीं कुछ मेहनत ही नहीं की बस वहां से निकल के हम यहाँ आ गए यहाँ जो बाबा ने सीखा उस पर चल पड़ी चल पड़े तो मेहनत लगी नहीं तो उन्नीस में इस विद्यालय का फाउंडेशन पड़ा और बाबा को इसी के बीच में एक दिव्य साक्षात्कार और हुआ कि आने वाला संसार कैसा होगा कलयुग जाने वाला है परंतु आने वाला संसार कैसा होगा तो सत्युग सुखमय संसार का बहुत सुंदर दर्श बाबा ने देखा जिसके आधार से हमारी पिक्चर भी बनी हुई है जब पांडव भवन में जाएंगे तो ओम शांति भवन का जो है ना बाहर का वरांडा उसमें सब चित्र लगे हुए हैं। विनाश का भी और स्थापना का भी कैसे स्वर्ग बाबा को दिखाई पड़ रहा लक्ष्मी नारायण का राज दरबार देखी फिर परमात्मा ने उसको आवाज़ दिया उठो जागो ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है तो आप सोच सकते हो मनुष्य तो परेशान होगा ना कि ऐसा सुखमय सुंदर संसार देवी संसार वो मैं कैसे बनाऊंगा बस बड़ी मीठी चिंता लग गई और खाना पीना छूट गया नींद छूट गई और भगवान से बातें रोज करता है प्रभु मुझे अपनी विधि बताओ मुझे शक्ति दो मैं ऐसा कार्य आपका कैसे संपन्न करूंगा तो बाबा नित्य नई नई बातें परमात्मा है इस आत्मा को पढ़ाता है सिखाता है टीचर बन फिर उसको रियलाइज कराया है कि तुम कौन हो आत्मा का पूरा ज्ञान जो आपको शीलू बह ने सुनाया होगा ना वो तो आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार किया पर उसका सार परमात्मा ने उसको बताया कि तुम ये लखी नहीं हो ये तुम्हारे देह का नाम है तुम अजर अमर अविनाशी ज्योति हो उठो अपने ज्योति स्वरूप को पहचानो ये तुम्हारे देह का नाम है विनाशी ये तुम्हारे देह के संबंध पर तुम कौन हो तुम अजर अमर अवनाशी आत्मा हो मैं तुम्हारा पिता मैं भी ज्योति स्वरूप हूं तो पिता परमात्मा ने अपना भी परिचय दिया उसको आत्मा का भी परिचय दिया और आदेश दिया कि ऐसे ज्योत से ज्योत तुमको जगाते रहनी है सारे संसार को ये ज्ञान सुनाना है तो बाबा की पहली दृष्टि तो घर वालों के ऊपर पड़ी तो बाबा के सामने स्त्री आती हैं तो बाबा आश्चर्य से उसको देखता रहता है मुस्कुराता रहता है पूछता है जसोता तुम अपने आप को पहचानती हो तो वो आश्रय में पड़ जाती है कि बाबा ये कहां से प्रश्न पूछता है तो उसने कहा बाबा मैं तो जसोता हूं बाबा ने कहा ये तो तुम्हारे शरीर का नाम है जसोता परंतु इस तन के अंदर विराजमान तुम कौन हो तो बाबा ने नक्शा निकाल करके इसको दे दिया शरीर का नक्शा और आत्मा का शरीर प्लस आत्मा दोनों मिलकर के जीवात्मा बनते बोलता चलता मंदिर आत्मा विराजमान है तो ये शरीर में आत्मा विराजमान माना ये बोलता चलता चेतन मंदिर हो गया उसको रियलाइज ऐसा कराया कि जसोता को नशा चढ़ गया मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं सामने जिस किसी को देखते है, ये भी ज्योति स्वरूप आत्मा ये भी ज्योति स्वरूप आत्मा ये सब तो हैदराबाद सिंध में मुसलमान लोग भी थे गरीब लोग भी बहुत थे गरीब शाहूकार का घर था तो गरीब भी आते थे जमादारी वो जिस किसी को देखते है, जस होता उसको नशा चल गया ये भी एक आत्मा है समान भाव प्यार उनके लिए रहम दिल और मुसलमानों के लिए जो पहले थोड़ा सा वैर भाव था कि मुसलमान लोग तो ऐसे है ऐसे करते न धर्म में न ईमान मान में न ये न वो अब उनके भाव उनके लिए भी ऊंचा बैठने लगा कि आखिर भगवान के तो ये भी बच्चे है ना तो दृष्टिकोण सबका बदल गया आत्मा का दृष्टिकोण इतना खुल गया कि बस ज्योति से ज्योत जगती रहती है एक बच्ची हर एक को ज्ञान सुना के उसकी ज्योति जगा देती है रियलाइज कराती है तो एक तरफ तो ये काम चालू होने लगा दूसरी तरफ बाबा को एक विचित्र अनुभव हुआ बाबा का गुरु था तो यह खबर गुरु के पास पहुंची लास्ट वाला गुरु कि लखीराज को पता नहीं क्या हो गया है नित्य नए नए दर्शन होते हैं और वो कहते हैं सतयुग आने वाला है कलयुग जाने वाला है अभी भगवान को याद करना है तो बाबा के जो भाई थे या रिश्तेदार थे गुरु तक खबर पहुंची गुरु में उसका अटूट भाव था लास्ट वाले गुरु में अब जब गुरुजी आया है तो देख रहा है कि उनकी चाल ढाल सब चेंज है उसके चेहरे में रौनक है मस्तक बाबा का ऐसा जोर से चमकने लगा नो में रूआ प्यार से सबको बोलता है, आओ बच्चे आओ बच्चे बाबा से आयु में बढ़िया तो भी बाबा के मुख से निकलता है, आओ बच्चे आओ बच्चे तुम स्वर्ग में चलेंगे ना बाप आया है तुम्हारे लिए लिया तिली के ऊपर स्वर्ग लेकर के आया है बच्चे चलेंगे ना ऐसे जैसे कि बरोबर बाबा कोई गिफ्ट लेकर के आया है और बच्चों को गिफ्ट देना चाहिए तो गुरु जी ने देखा लाइफ में चेंज है बहुत बड़ी चेंज है घर वालों को कहा इसमें मिसमेरिज्म वगैरह लोग कुछ भी कहे पर ऐसी कोई बात नहीं है ये तो इसका नसीब खुला है कोई भाग्य खुला है इसलिए उसकी लाइफ में नई चेंज है उनको बराबर दिव्य दर्शन हो रहे हैं तो उसी दिन भी ऐसे लास्ट में गुरु जी बैठा है गुरु जी के हाजिर में जैसे बराता जी सामने बैठे हैं ऐसे गुरु जी के हाजिर में मर्यादा पुरुषोत्तम तो था गुरु में प्यार था तो उस दिन भी बैठा हुआ है जब तक कि एक एकदम स्पष्ट हो जाए कि मुझे परमात्मा ही टीचर बन के पढ़ा रहा है मुझे क्या करना है स्पष्ट हो जाए तब तक भक्ति और ज्ञान का संगम था तो गुरु जी के भाव में बैठा हुआ है लेकिन सतगुरु ने देखा अब तो मैं इसको जगा रहा हूं मैं काम कर रहा हूं अब फिर ये देदारी में फंसेगा तो इसलिए बाबा ने उसी समय उसको फिर दिव्य दृष्टि दी जब वो दिव्य दृष्टि दी ना, तो बाबा की आंखें ऊपर की तरफ जा रही थी ऐसे ऊपर 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 तो बाबा ऐसे देख रहा है कौन मेरे सामने खड़ा है उस दिन निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने उनको अपना साक्षात्कार का कराया निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने तो जब साक्षात का किया तो बाबा को लगा कोई लाइट का पुंज है जो मेरे सामने है नजर के सामने इसलिए बाबा की आंखों में बहुत थी और वो ऐसे सामने से साक्षात का कराते कराते ज्योति बाबा के तन में प्रवेश हो गई अब तन है साकार का जिसका नाम दादा लेखराज और उसमें प्रवेशता हुई परम पिता परमात्मा की अब ऐसी होती है ये तो उसको पता ही नहीं था ऐसा भी होता है कभी कोई इतनी महान शक्ति आके तन में प्रवेश करे तो वो तो उसको पता ही नहीं था तो जब बाबा ने देखा कोई शक्ति प्रवेश हुई तो अंदर बाबा फील करा कोई शक्ति अलग होकर के बोलती है मेरे मुख से तो शिव पिता परमात्मा की प्रवेश थी और शिव पिता ने इसके मुख द्वारा पांच महावाक्यों में अपना परिचय दिया आप नोट कर सकते हो पांच महावाक्य वो पांच महावाक्य जो शिव पिता परमात्मा ने साकार ब्रह्मा के मुख से उसको अपना माध्यम बना के उनको निमित बना के उनके द्वारा अपना परिचय दिया है नहीं तो भगवान का परिचय कौन देवे दे धारी तो कोई दे नहीं सकते वो खुद, खुद को ही नहीं जानते मैं कौन हूं तो खुदा को कौन जान सकता है खुदा वो खुद आके अपना परिचय देना होगा प्रकाश स्वरूपम शिवो हम शिव हम मैं प्रकाश स्वरूप हूं दादा लेख राज तो देवदारी था ना तो उसको रियलाइज कराता है कि मैं देदारी नहीं हूं प्रकाश स्वरूपम शिवो हम शिव ज्ञान स्वरूपम शिवो हम शिवो हम आनंद स्वरूपम शिव हम प्रेम स्वरूपम शिवो शिवोहम शिवहम लास्ट शब्द शक्ति स्वरूपम शिव हम शिवह पांच महावाक्य धीरे धीरे बाबा के मुख से ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई आकाशवाणी हो रही तो बाबा भी आश्रम में कि ये कौन बोल रहा है क्योंकि खुद तो नहीं बोल रहा था पर मुख्य का आधार लेके कोई और बोल रहा है तो बाबा को अलग शक्ति की फीलिंग आई कोई अलग शक्ति है। कौन है वो जो निराकार को तो जानता ही नहीं था कृष्ण का भक्त था कृष्ण को ही भगवान समझता था अब निराकार परमात्मा ने अपना परिचय पांच माहवाक्य में दिया फिर तो रिपीट करूं क्या

श्यो हम शिव पांच महावाक्य बाबा के मुख से ऐसे निकल रहा है जैसे कोई और शक्ति बोल रही है तो बाबा की आत्मा तो अंदर विराजमान है मुख का आधार उसने ले लिया बीच में तो बाबा को अंदर फील हुआ कोई शक्ति है तो जब एक सेकंड के लिए शिव पिता परमात्मा अपना परिचय दे के लोप हो गए अब इसको रियलाइज करा करके गया तो बाबा की जब आंख खुली तो बाबा चारों और आश्रय से ढूंढ रहा है उस शक्ति को अब बोल रहा है वो कौन है वो कौन है वो कौन है चारों और आश्रय से ढूंढ रहा है फिर बाबा को अंदर से फीलिंग आई कोई लाइट है कोई माइट है कोई लाइट है कोई माइट है ऐसे करके फिर बाबा गुम हो गए जब गुम हो गए उसके बाद आलमेटी बाबा ने उनको देवी देवी संसार का साक्षात्कार कराया जो मैं आपको बता के आई हूं स्वर्ग कैसे परमात्मा ने इसको दिखाया तो जब स्वर्ग दिखाया तो बाबा हर्षित हो गया और फिर आलमेटी बाबा ने उनको आज्ञा दी ऐसा सुखमय संसार अब तुम्हें बनाना है तुम निमित्त है उठो तुम्हें अपना काम करना है परंतु करण करान हार में इसलिए जब भी बाबा योग में बैठते थे तो शिव बाबा को बाबा ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा को याद करते हम बच्चों को भी इशारा के शिव बाबा को याद करना है तब तुम्हारे भी कर्म नाश होंगे तुमको घर चलना है पिता के घर में जाना है तो ज्योति स्वरूप स्थिति में रहो ताकि ज्योति धाम में सहज जा सको देह का भान छूटे ये देह का भान है मैं फलाना हूं मैं फलाना हूं मैं नेता हूँ मैं पिता हूँ मैं सेठ हूँ मैं स्वामी हूँ सब दे के भान है इस देह के भान को छोड़ना है और सोल कॉन्शियस स्थिति और गॉड कॉन्शियस स्थिति में रहना एक नया ज्ञान जो पहले उसमें था ही नहीं उसके पास बिल्कुल नहीं थे गीता का वचन लेके धंधे में जाते थे जैसे भावना में ग्रस्ती लोग जाते हैं अब आ गई चेंज तो बाबा देखते हैं, मैं यहाँ चुपचाप में बैठा बैठता हूँ मान में उठ करके अपने पलंग पर ही बैठा हुआ है चौकी माँ के तो बाबा का कनेक्शन ऐसा जुट जाता है बाबा को एकदम जिगरी फीलिंग है कि कोई शक्ति है जो मुझे पढ़ा रही है मेरा सुप्रीम टीचर है जो मुझे पढ़ा रहा है तुम कौन हो निज आत्मा का ज्ञान कैसी जीवन चाहिए कैसा संसार को बनाना है विश्व कल्याण का प्लान सब बाबा को डायरेक्ट परमात्मा से मिलने लगा और बाबा की परवेशता ऐसी होती थी बाबा का चेहरा चेंज हो जाता था हम सबको फीलिंग है कि बाबा हमारे सामने इंसान के रूप में देखा ही नहीं पहले देखा एक ही शहर में रहने वाली हम बहनें मैं तो बच्ची थी पर मेरे से बड़ी बड़ी जो दादियाँ हैं ना वो बड़ी एज में थी शादीशुदा भी थी ज्वेलरी बाबा से लेती थी तो जो ज्वेलर है उनसे ज्वेलरी लेने वाले तो उनके बुद्धि में तो ना फलाना है सिट परंतु अब चेंज ऐसी आई है कि अभी कोई को ये तो फीलिंग ही नहीं ये ज्वेलर है उनको ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक दैवी फ्रिशता खड़ा है भगवान सामने खड़ा बस भगवान हमको मिल गया सबकी फीलिंग भगवान हमको मिल गया। ये आवाज फैल गया सारे शहर में और जो आज्ञा मिली वो सब पालन करने की शक्ति भी मिली कि नए संसार लिए नया बीज चाहिए परमात्मा को ध्यान से सुनने की बात है नए संसार बनाने के लिए नया बीज चाहिए नया बीज मना शुद्ध बीज सतो प्रधान बीज मना आत्मा जो भी तमो परदाना विकारों के वशीभूत है उन सब विकारों को जीतना है और फिर से शुद्ध पवित्र बन के नए समाज का निर्माण का काम करना है तो बाबा के पांच छह नियम हमको लोगों को मिले पहला नियम कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है कलयुग जाने वाला है इसमें ये सब शरीर नाश हो जाएंगे सत्युग आने वाला इसलिए श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं तो पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन दूसरा नियम सत्य का संग तीसरा अन्न की शुद्धि प्याज लहसुन हम सब नहीं खाते हैं जब से हम ज्ञान में आए हैं और कुछ ऐसे गृहस्थी जिनकी लाइफ में वो नहीं है तो उनके हाथ का पकाया हुआ भी हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि हम खुद अपने आत्मक शुद्धि में लगे हुए हैं तो अन्न की शुद्धि आलस का त्याग दिव्य गुणों की धारणा और नित्य ज्ञान स्नान सारे दिन में ज्ञान स्नान एक बारी जरूर करना ये चार पांच बातें बाबा ने हम बच्चों के आगे रखी और हमने बहुत प्यार से उसको स्वीकार किया तब से हम इन सब नियमों का पालन करते हुए आ रहे हैं फिर तो आपको पता है अगर ऐसे नियमों का पालन करेंगे आज आज भी जितने आए हैं ना उनमें से एक कोई अमृत वेले उठे खान पान की शुद्धि रखे और रोज क्लास में जाए तो उनकी घरवाली कहेंगी ये क्या हुआ ये माउंट आबू में गया ये नई मुसीबत कौन सी लेके आया वहां से कौन इसको लेके गया था वहां मैं उनसे पूछूंगी कि तो कहाँ लेके गए मेरा पति तो रोज अब दो बजे उठ के योग करता है और कहता है मैं ये खाना नहीं खाऊंगा यानी एक प्रैक्टिकल देखो तो जरूर सबका माथा घूम जाएगा ना तो उस समय भी समाज में बहुत विरोध हुआ ये कहते ये दादा लेख राजे ने बैठे बैठे नया रस्म रवाज क्या चालू किया है ये नया ज्ञान आया कहां से खुद तो ग्रस्ती है विकारों से खुद पैदा हुआ अभी सभी को कहते हैं ब्रह्मचर्य में रहो अभी ये तो दादा लेखराज मनुष्य आत्मा वो थोड़ी डायरेक्शन दे सकता है वो डायरेक्शन दे सकता है खुद बाल ब्रह्मचारी था रहा नहीं बच्चों को पैदा किया पोतरे पैदा है और अभी उस दूसरों को कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करो तो ये उसका तो डायरेक्शन था नहीं ये तो ऊपर वाले का डायरेक्शन था इसलिए बाबा की दोनों बहुओं ने फॉलो किया बाबा की बड़ी बच्ची ने फॉलो किया और बाबा की वो क्या भाभी बहन जो घर के नजदीक वाले थे उसने सब ने उस बात को फॉलो किया जो घर में बहु आई है उन्होंने फॉलो किया उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन रखना शुरू किया तो आप जान सकते हो उसका घर खुद का भी फिटा ना लोग कहते थे दादा ने तो सबका घर फिटाया पर बाबा कहते मेरा घर किसने फिटाया मैं तो अच्छा भला चल रहा था भक्ति मार्ग में सुखी था मुझे कोई दुख नहीं था हाँ भगवान से मिलने की आस थी पर मेरा घर भी बदल गया तो मैं क्या करूं ये तो ऊपर वाले का आदिश है भगवान का फरमान काम महाशत्रु क्रोध महाशत्रु इनको जीतो तब तुम स्वर्ग की बाछाई ले सकेंगे तो सच्चाई थी बाबा में बल था बहुत इसलिए सारी समाज बिगड़ गई सारा शहर समझो हैदराबाद का बिगड़ गया एक दो को सुनाते सुनाते सुना परंतु तो बाबा ने योग बल से ज्ञान बल से और शांति के बल से काम लिया कभी उनका उन्होंने एक कहा तो बाबा ने दो करके नहीं बोला किसी बच्ची ने दो करके नहीं शब्द बोले होंगे सब ने सहन किया सहन करके शांति के बल से हम अपना काम बढ़ाते गए फिर कराची में बाबा को निमंत्रण मिला फिर हम सब बजे कराची में गए तो जिनको छुट्टी मिली जो सगीर थे उनको पेरेंट्स छुट्टी नहीं देते तो जा नहीं सकते हैं और जिनको छुट्टी मिली वो बाबा के साथ सब कराची में गए तो भी साढ़े चार सौ के लगभग कराची तक पहुंच गए थे फिर हम वहाँ उन्नीस में गए 1950 तक पूरा 50 तक नहीं 50 में हम फिर यहाँ माउंट आबू में आए हैं तब तक हम कराची में थे और अंदर ही अंदर बाबा ने जैसे ईटों को बट्ठी में पकाया जाते हैं ना कैसे पकाया जाता है चारों ओर से बंद करके ऐसे दुनिया की आवाजों से निगाहों से बिल्कुल परी ज्ञान योग धारणा सेवा कैसे और कोई बात ही नहीं लाइफ ऐसी बन गई जैसे हम भगवान के संगी भगवान की दुनिया में जा रहे हैं हमारा दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है सगे वाले आते थे तो भी हम उस समय नहीं मिलते थे साधना का पीरियड था फिर वो मोह की आके बातें करेंगे फिर रोएंगे फिर चिल्लाएंगे इसलिए हम सब न्यारे न्यारे होकर के रहे फिर हमारे पेरेंट्स से हमारी बातों को समझने लगे फिर वो बुलाते थे आओ आकर के हमारी सेवा करो हमको भी ज्ञान सुनाओ तब बाबा मम्मा की आज्ञा से हम तीन दिन के लिए चार दिन के लिए जाते थे अपने सब नियमों का पालन करते हुए उनकी सेवा करके आ जाते थे सात सात दिन गए भी होंगे ना तो खाना नहीं खाया होगा उनके बर्तनों में क्यों सब मीट मीट खाते थे अब हम शुद्ध आत्मा फिर कहा से ये बर्तन लेके वहां जाके खा तो दिन बाबा ने बट्ठी में बहुत प्यार भी दिया और रूहानत भी भरी लाइफ में एक नया मोर आ गया फिर बाबा ने कहा अभी ए, तुमको जीना है अपने लिए थोड़ी जीना है भगवान के बच्चे सारे वर्ल्ड में भगवान का संदेश पहुंचाना है तो जाओ तुम चेतन ज्ञान गंगाए हो भगवान का आदेश है तुमको तुमको जाकर के संसार का कल्याण करना है फिर हम शिवार्थ निकले हैं जानते कुछ नहीं थे सब रास्ते बंद हो गए मार जैसे ट्रेन देखी नहीं चौदह साल में सिक्के चेंज हो गए तो नहीं देखा राज्य चेंज होगा कुछ नहीं देखा परंतु फिर भी भगवान की छत्र छाया में हम बाहर निकले सेवा करने दिल्ली में पंजाब में अमृतसर में बंबई में जहां जहां हमारे पेरेंट्स थे न उनके निमंत्रण पर हम गए फिर वहां जाकर के सबकी सेवा की करते 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 सेवा केंद्र खुलते गए फिर बाबा ने कहा बच्ची डेढ़ सौ सा दो सौ सेवा केंद्र खुले तो हमने तो सोचा हमने तो बहुत बड़ा काम किया सभी बच्चों ने मिलकर तो हम खुशी खुशी में हम बाबा को बोलते बाबा भी डेढ़ सौ सेवा केंद्र खुल गए उधर भी खुला उधर भी खुला उधर खुला तो बाबा मुस्कुराता था जैसे बाबा कहते तो छोटा काम किया है हम समय तमने बहुत काम किया बहुत सहन करके लोगों की गालियां खा करके एक एक सेंटर संभाला और बाबा कहते हैं बच्ची अभी तो संसार बहुत बड़ा पड़ा तुमको तो सारे संसार में छा जाना है सारे संसार को मेरा संदेश पहुंचाना है तो हम कहते कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे भाषा तो जानते नहीं है जापान में जाए तो जापान की भाषा को जानते नहीं किस भाषा में हम उनको ज्ञान सुनाएंगे परंतु ड्रामा धीरे धीरे खुलता गया अचानक जापान का भी निमंत्रण मिला बाबा के होने पर जापान का निमंत्रण गया तो हमारे तीन भाई बहन वहां गए फिर सेवा करके बरस के बाद फिर लौट करके आए फिर दूसरा निमंत्रण मिला ऐसे जहाँ से निमंत्रण मिलता था विदेश में क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी वहाँ बिखरे हुए हैं चारों ओर जो भी हमारी बहने हैं सिंध की तो पेरेंट्स को पता लगा उन लोगों का निमंत्रण आता था वहां निमित्त मात्र रह करके सेवा हम सारे शरक कर लेते थे रेडियो के द्वारा अखबार के द्वारा जहाँ तक हम कर सकते थे करते 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 सेवाएं विदेश में भी बढ़ गई तो देश में भी टू मच हो गई फिर बाबा का ये वरदान बची ये तुम्हारा हाल छोटा पड़ेगा धीरे धीरे तुमको बहुत बड़ा हाल बनाना पड़ेगा एक हाल बनाया वो छोटा हो गया दूसरा हाल बनाया वो छोटा हो गया तीसरा बनाया वो अब चौथा हाल नीचे बनाया है जिसमें बीस हजार के लगभग लोग बैठ सके तो वो भी छोटा पड़ रहा है अभी आप बढ़ रहे हैं, तो एडिशन होंगी ना लोग पूछते आखिर तुम्हारे भाई कितने हैं भाई रोज नए नए बच्चे भगवान के पैदा हो रहे हैं तो हमारे भाई बढ़ रहे हैं तो हम आपको कैसे बताएंगे यहाँ सारा संसारी हमारा परिवार है तो मतलब विचित्र कारोबार चलते है पर बाबा ने पहले ही बताया कि ये ऐसा ऐसा होगा ऐसा ऐसा होगा ऐसे से तुम्हारी हाल बने बच्चे बहुत बच्चे आएंगे पूरा जैसे जो कुछ आज हमारी आंखें दिख रही वो पहले ही बाबा ने बताया हुआ इसलिए हम निश्चय बुद्धियों के कदम उठा रहे हैं और आज भी वो सुख अनुपम में हम बच्चों के साथ मददगा रहे भले बाबा अव्यक्त हो गए सिक्सटी में परंतु आज भी वो सूक्ष्म रूप में हम बच्चों को जो संदेश पुत्रियां हैं ध्यान में जाने वाली आत्माएं हैं उनके द्वारा मैसेज दे करके बाबा के यज्ञ के कारोबार को हम चला रहे हैं पर आदेश से बाबा का जो सेवाएं करते हैं वो भी बाबा के पास सब सेवाएं जाती है और बाबा से नया नया प्लान सेवा के लिए मिलता है उस आधार पर सम, सब बच्चे मिलकर सेवा करते हैं तो ये तो मैंने सार में बताया तो 19 अड़तीस में हम आए कराची में और उन्नीस में हम माउंट आबू में आए और 1950 से लेकर के ९८ तक ये सेवाएं चल रही है बहुत समझो हमारे सत्तर देशों के अंदर बाबा का कार्यक्रम चल रहा है और इसके सिवा बाकी देश के अंदर भी कितने स्थानों पर हमारी सेवा साढ़े तीन सौ साढ़े तीन हज़ार के लगभग सेवा केंद्र है जिसमें छोटे भी सेंटर है और बड़े भी सेंटर है सब भाई बहने मिलकर के लगे हुए हैं कि हम गांव गांव तक बाबा का संदेश पहुंचे परंतु पहला आदेश बाबा का यह है पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन बच्चे जब तक तुम स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते जोर है बाबा का पहले खुद बदलो तब दूसरों को बदलो तब तुम्हारी जुबान में ताकत आएंगे तुम खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या कह सकेंगे गला घुट जाएगा कह नहीं सकेंगे तुम ऐसा गुण धारण करो अनुभव करके देखो पाप अंदर होगा ना तो मुख से नहीं निकलेगा और जो चलने वाला होगा वो तो फलक से सबको कहेगा तो अब नया युग आने वाला है और जो दिव्य दृष्टि में बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ है वो होने वाला है हंड्रेड परसेंट हमको विश्वास है इसलिए हम स्वर्ग में जाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं कहो तो मैं आप सबकी भी रिजर्वेशन करा दू करा दूं हाथ उठाओ हाथ उठाओ भाई सबका हाथ देखो जिसने न उठाया वो <laughs> बहुत अच्छा मैं ताली बजाती हूँ मुझे खुशी है कि आप सब हमारे साथ चलेंगे परंतु परंतु भी मुझे कहना पड़ता है परंतु टिकट है वो कोई पचास सौ रुपए वाली टिकट नहीं है स्थूल नहीं है कुछ आपको टिकट नहीं मिलेंगी परंतु उस वतन में जाने के लिए वैकुंठ में जाने के लिए कृष्णपुरी में जाने के लिए हमको कृष्णपुरी जैसे संस्कार बनाने पड़े पांच विकारों को खोटे पैसे ना, जो आपके काम में आते नहीं हैं क्रोध लोभ मोह अहंकार वो आपको भी धोखा देते हैं और दूसरे को जिस किसी को भी देंगे ना क्रोध क्रोध करेंगे तो वो भी तेरे से दुखी हो जाएंगे तो भगवान हमसे ये पांच खोटे पैसे मांगते हैं बच्चे बस तुम मेरे बच्चे हो मेरे समान शुद्ध बनो ये पांच कोटि पैसे का त्याग करो उसके लिए फी है हमारे विद्यालय की एक आना एक आना है आपके पास जे में देखो खोल करके एक आना है है नहीं है एक आना मीन से आपको एक बारी आना है सिंड्रम में ताली बजाओ पकार के एक बार आपको आना है एक बार आएंगे तो ये जो खोटे पैसे है ना आपके अंदर आजकल ठगी का जमाना ना पैसा खोटा डालेंगे अच्छा स्वच्छ पैसा ले लेंगे आरती में डालेंगे ठका हुआ ना फिर दूसरा पैसा ले लेंगे तो भाई ठगी वाला पैसा तो नहीं चल सकता है अच्छा स्वच्छ अविकारों का दान देना बेकार चीज को छोड़ देना मन में दृढ़ संकल्प करेंगे और रोज संग करेंगे बाबा के घर में जाने का तो आपके ये खोटे पैसे आप ही निकल जाएंगे अनुभव करके देखो शुद्धता आती है ना तो फिर अशुद्ध बातें अच्छी नहीं लगती मन को मन से भाग जाती हैं तो विनाश सामने खड़ा है पक्का कर देना आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो इतनी दुनिया हरी भरी हो रही है तरकियां हो रही है क्या क्या कंप्यूटर काम कर रहा है तो आपको लगेगा ये तो और अच्छा सुधार हो रहा है लेकिन आध्यात्मिक रीति से देखो तो सुधार नहीं है बिगाड़ है चरित्र गिरता ही जा रहा है भ्रष्टाचार पापाचार का बोल तो अति का अंत तो होगा आखर तो होगा ना ये मकान पुराना हो जाएगा फिर क्या होगा गिरेगा ना न भी कोई गिरा तो भी गिरेगा ये गिरने वाला ही है कुदरती आपता तो से भी गिरेगा तो सिविल वार से भी गिरेगा और बांस जो बना के रखा है वो एक दो को दहेज़ में देने के लिए तो नहीं बना के रखा है भाई चलो मेरी बेटी तुम्हारा बेटा लो दस बीस बांस में तुमको देता हूं। तो क्या होगा बना के किस लिए रखा है जब भूत प्रवेश होगा तो फटाफट बटन दबाएंगे और घर बैठे आप जहां बैठे होंगे वहां हमारा खात्मा वो कर सकते इसलिए बाबा कहते ये अंत में कुछ काम ही नहीं आएगा चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी दस बीस तुम्हारे को पर ये धन सब का मट्टी में मिल जाने वाला जो सच्चा धन है ज्ञान धन वो हमारे साथ चलेगा वो हमारे संस्कार में घुस गए ना तो वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे शरीर नाश हो जाएंगे आत्मा फिर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति में चली जाएंगी जिन्होंने जैसा कर्म किया होगा कुछ आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी बाकी कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान योग की धारणा वाले वो जीवन मुक्ति धाम में जाए तो ये समय है परिवर्तन का हमारे अच्छे अच्छे साहित्यकार आए हैं जिन्होंने साहित्य के आधार से समाज को बदला है तो मेरी ये आश है कि भगवान के ज्ञान को अच्छी तरह से अंधश्रद्धा नहीं अच्छी तरह से समझो क्वेश्चन आंसर करो जब आप खुद निश्चय बुद्धि हो तो आपके कलम में ताकत आ जाएंगे नए युग का नजारा क्लियर कर दो ये पुरानी दुनिया जाने वाली है सबको ऐसा निश्चय बिठाओ अब क्या करना है विनाश के समय में याद भगवान को करना है देहधारी को याद करने से कोई फायदा नहीं वो हमारे साथ चलेंगे नहीं परम दाम आत्माएं जाएंगी मच्छरों सदस उड़ेंगी तो भगवान की आज्ञा है देहधारी को मत याद करो मुझ एक निराकार बाप को याद करो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मेरी आज्ञा का पालन करो अगर सतयुग में चलने चाहते हो तो विकारों का त्याग करो बस अगर नहीं चलने चाहते हो, इसी जीवन में मौज में रहती हो दुखी नहीं होते हो तो आपकी मर्जी भगवान क्या कर सकता है भगवान तो आज्ञा देंगे ज्ञान देंगे समझ देगा विवेक देंगा तो वो मिल रहा है उसके आधार से हम बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो सतयुग आने वाला है उसकी तैयारियां हो रही है हम बीज डाल रहे हैं सब में चारों ओर से और हमारे सब भाई बहने भारतवासी भी लगे हुए हैं तो विदेश वाले बच्चे भी लगे हुए हैं खूब नई नई इन्वेंशन ने कहा के समाज को कैसे ये भगवान का पैगाम देवे उसमें वो लगे हुए हैं तो अभी बाकी पांच मिनट है तो मेरे से कईयों ने पूछा है तो बाबा की अंतम अवस्था कैसी थी और अंत में स्तरी कहाँ और कैसे छोड़ा यहीं थे माउंट आबू में थे आज से मानसरी छोने से छः मास पहले उन्होंने आलमेटी बाबा से पता लग गया इसलिए एक वाणी में सप शब्द आए बच्चे ये ब्रह्मा बाबा भी चला जाएगा लेकिन तुम्हारा ये जो कार्य है वो चलता चलेगा चलता चलेगा और ब्राह्मण बच्चों की वृद्धि होती ही तुम्हारे को बहुत ज्ञान का बड़ा खजाना मिला हुआ है क्योंकि काफी सालों से जो बाबा ने वाणिया चलाई है हर रोज की हर तारीख में एक भी तारीख मिस नहीं होंगी अठारह उन्नीस बीस एक ऐसी तारीख लो हर साल की हमारे पास छः सात साल की बाबा की महावाक्य है जो हर रोज बाबा ने चलाए हुए है तो तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना बहुत है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है और तुम बच्चों को क्या काम करना है तो ये शिव बाबा के यज्ञ की, की वृद्धि होती रहेगी शिव बाबा के साथ तुम्हारा योग है कनीशन है तो ऐसे कह कर करके ना बाबा ने वाणी पूरी की इतना थोड़ा सा पेज लिखत में था उस समय की तो फिर जब बाबा ने वाणी चलाई तो हम बच्चों ने ऐसे सोचा बाबा हमको हमारा बहुत बाबा से प्यार है बाबा ने बहुत प्यार से पालना किया इसलिए बाबा हमको थोड़ा उपराम करने सिखलाते हैं कि ये बाबा भी चला जाएगा तो भी तुम्हारा तो काम चलता रहेगा छ मास के बाद पक्का छ मास नहीं मतलब लगभग पांच छह मास से ऐसा हुआ उसके बाद वो घर ही आती हैं जबकि बाबा यहाँ यज्ञ में हैं और हमारी सब दादियाँ बाहर गई हुई है बाबा कहते हैं बाबा यज्ञ में बैठे हैं तुम बच्चे सब सेवा पर जाओ एक दिन एक घंटा भी वेस्ट नहीं करना है बम्बई में लिटरीचर छपाना है बांटना है जगह ये करना है रोज बाबा डायरेक्शन देता था सेवाओं के लिए सेवा करो सेवा करो बाबा यहाँ बैठा है बाबा के पास कोई बच्ची की जरूरत नहीं है हमारी माते शनेश्वरी छोड़ दिया था उससे पहले ही तो फिर बाबा ने हमारी दादियों को भी भेज दिया था तो वो जो घड़ी आती है अठारह अच्छा जनवरी की तो हमारी बड़ी दादी है ना जो कल परसों आपसे मिली वो बुम्बई में रहती थी बुम्बई में सेवा करती थी कई सालों से पर एक ग्रुप को लेके आई थी तो ग्रुप गया दिल्ली की तरफ और बाबा ने इसको स्पेशल इस रोक लिया बच्ची दो दिन रुक सकती हो तो कहाँ बाबा का बच्ची तुम ठहरो दो चार दिन ठहर के पीछे जाना तो रुक गए वो तो बड़ी खुश हुई तो आज बाबा ने पहली बार हमको रोका नहीं तो कहते जाओ शिवा में भागो शिवा में तो रुका है तो सत्रह तारीख में बाबा ने उसका हाथ पकड़ कर कि न सारी परिक्रमा लगाई है सारा जो बाबा का घर है वो सब दिखाया धीरे धीरे बाबा बोलता जा रहा है बच्ची आगे चल कर किन है तुम्हारा बहुत कार्यविधि को पाएंगा बच्चे बहुत आएंगे बहुत आएंगे उसके लिए रहने का प्रबंध भी चाहिए उसके लिए अनाज पानी भी चाहिए कम से कम बारह महीने का अनाज आपके पास जरूर होना चाहिए ऐसी ऐसी हालत होंगे तो कुछ नहीं मिल सकेंगे पानी का भी होना चाहिए मकान पिछड़ी मकान भी बनाते ही रहना है बच्चों को तो ऐसे बाबा डरेशन दे रहा था तो एक बड़ी दीदी थी वो उस समय थी नहीं तो दादी ने सोचा कि वो बड़ी दीदी जो सदाम बाबा के साथ रहती है वो कलकत्ता में गई थी मैं भी उनके साथ गई हुई थी तो वो कि तो मैं ये सब बाबा के डायरेक्शन उसको सुना लूँगी ताकि वो तैयारी करती रहे तो बस पहले दिन सत्रह तारीख ये सब डायरेक्शन दिया अट्ठारह तारीख सुबह को पहली बार ही बाबा बिल्कुल सर्दी की भी मौसम थी और बाबा बिल्कुल साइलेंस में था तो दादी ने समझा कि कुछ बात है बाबा आज बिल्कुल साइलेंस में बैठा हुआ कहा बाबा मैं क्लास में थोड़ा पहले जाती हूं और आप थोड़ा सा ठहर करके भी आ सकते हैं बाबा आज कुछ आपको है तबीयत में ऐसा नहीं नहीं बच्ची कुछ नहीं है कुछ नहीं उनकी अंदरूनी योजना थी कर्म भोग जो लास्ट वाला है उसको योग से चुप करना है इसलिए बाबा बिल्कुल डीप साइलेंस में था फिर दादी पहले गई है पंद्रह बीस मिनट दादी ने क्लास में बोला ही होगा तो बाबा आके पहुंचा पर वो पहला ही दिन था जबकि बाबा ने सबको सर्च लाइट योग की दी है अपने को भी सर्च लाइट मिले तो दूसरों को भी मिले कर्म भोग को योग से चुप करने की योजना के हिसाब से तो बाबा ने कुछ नहीं बोला फिर जब उठ के बाबा जा रहे थे तो दरवाजे के पास खड़े हो करके बाजू पीछे करके ये हाथ ऐसे करके और फिर बाबा ने तीन शब्द बोले हैं वो नोट कर सकते हो अंतम बोलिए थे निराकारी निर्विकारी और निरअहकारी तीनों शब्द दे करके अच्छा गुड मॉर्निंग नमस्ते अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं पर हम लोगों ने समझी तो रही कौन सी विदाई हमने सोचा ऐसे बाबा जाते तो से जाते हैं ना तो से विदाई लेके जा रहा है अपने कमरे में बुद्धि उस तो गई नहीं किसी की ऐसी प्रभु की लीला थी तो बाबा ऐसे बोल कर के धीरे धीरे अपने कमरे के तरफ रवाना हुए फिर वहां कमरे में बैठा तो भी बिल्कुल बाबा डीप साइलेंस में कोई भी कारोबार की कोई बात और नहीं कही और उन्होंने कहा बाबा थोड़ा ऐसा लगता है कि आपको कुछ बाजू में दर्द है कुछ ऐसा जैसे हार्ट का थोड़ा होता है ना तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बाबा को तो कुछ नहीं है बाबा ऐसे डॉक्टर आएगा थोड़ा देख कर के जाएंगा फलानी माता भी बीमार है फलाना भाई भी बीमार है बाबा चाहता नहीं था डॉक्टर आवे पर युक्ति से डॉक्टर को किसी माता के बा डॉक्टर को बुला के डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर ने भी बाबा को देखा बोला ठीक है बाबा बाबा का अंदरूनी संकल्प नहीं था के डॉक्टर का हाथ लगे फिर ऐसे सारा दिन बीता फिर पत्र आए हुए थे जिन बच्चों के पत्र परे पत्र को उत्तर दिए दे करके फिर रात्रि का टाइम हुआ तो इस स्पेशल दादी को कहा बच्ची बाबा जहाँ जहां से जाते हैं ना तो सब बच्चे देखते आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई हम बाबा के महावाक्यों के लिए मुरली बोलते मुख की ज्ञान मुरली भगवान के महावाक्य ज्ञान की मुरली है ना तो बच्ची तुम जल्दी क्लास इकट्ठा करो सभी बच्चों को भोजन खिला के क्लास में बिठाओ बाबा के सबसे मिलते तो बाबा आके सबसे मिले हैं आधा घंटा सबसे बातचीत की सब पर कहा कि जैसे पिता जाते है न, कहां, तो जाता है ना कहाँ तो सब पर प्रकार कि सिक्ख्या देखी जाता है बच्चों को कैसे चलना है कैसी धारणा में रहना है अविस्था को कितना ऊँचा रखना है घर में जाना है बाबा के घर में जाना है कैसे बच्चों को स्वच्छ होके जाना, जाना ऐसी मीठी मीठी सीखें दी ऐसे सीखा दे करके अच्छा गुड नाइट बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं शायद सुबह को विदाई नहीं शब्द यूज किया रात्रि को किया है मुझे अभी ख्याल में आता रात्रि को करके फिर बाबा कमरे की तरफ चला गया फिर पांच मिनट का खेल था जैसे खटिया पर बैठा तो बाबा को फिर अंत में कोई लहरा उठी है हाथ की तो दादी सामने खड़ी थी बड़ी दादी बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अंत में दृष्टि दी बस दृष्टि से बाबा ने वो शक्ति उसको दी बाबा अव्यक्त हो गया और दादी को इस कार्य के लिए पूरा ज़िम्मेवारी का ताज पहना करके फिर तो बाबा अव्यक्त हो गया तो उसको तो पता ही नहीं लगा हाथ में आत था हाथ सिर्फ़ थोड़ा ढीला हुआ तो उसने सोचा पता नहीं कुछ बाबा को हुआ है हाथ थोड़ा ढीला हो गया डॉक्टर को बोला डॉक्टर ने आके डिक्लेयर किया हे पिताश्री अव्यक्त हो गए हैं अभी आपको जो करना हो जैसा कहना हो वैसा करें शरीर को जहाँ रखे जैसे रखें मैं अभी मोड़ सकता हूँ उन्होंने कहा नहीं जैसे बाबा लेटे हुए हैं वैसे ही लेटे रहेंगे और डॉक्टर ने कहा भले आप लोग इतला दो जिन भी बच्चों को बुलाना हो यानी एकदम से इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन दादी को हंड्रेड परसेंट हमारा बाबा हमारे साथ है वो जा नहीं सकता ये हो नहीं सकता है डॉक्टर कह रहा है तो भी दादी के अंदर का विश्वास क्यों ऐसा हुआ वो रास में खोलती हूँ बाबा जा नहीं सकता बाबा का वायदा हम बच्चों से मैं साथ ले जाऊंगा तो उसी समय जब बाबा का हुआ तो सब उन्होंने डॉक्टर ने कहा सबको इतला दो सबको इतला दिया किया तो 18 तारीख रात्रि को सरी छोरा है 19 20 21 तारीख शाम को चार बजे के लगभग तब तक सब बच्चे चारों ओर से आ गए थे फिर उनके सामने बाबा के शरीर का संस्कार हुआ संस्कार के बाद फिर हमारे पास ध्यान में जाने वाली बहन थी जो ट्रांस में जाती थी बचपन से ही जब वो आठ नौ साल की थी और ट्रांस में जाती थी तो संपूर्ण ब्रह्मा को बहुत देखती थी और बहुत बातें करती थी तो वो उस समय मौजूद थी तो उसको संदेश दिया पहले भी संदेश देते रहे हैं कुछ भी ऐसा विशेष कार्य करना का होता था तो जाओ तुम बाबा से मिलकर के आओ और बाबा को हम बच्चों का मीठा मीठा ओलहना दो कि बाबा आपने क्या किया आप तो चोरी चोरी चल बसे आपने हम बच्चों से छुट्टी क्यों नहीं ली बाबा आप हमसे छुट्टी तो लेके जाते ना तो जैसे प्रेम के आंसू और प्यार से ओलहना भरा हुआ बाबा को बेस मैसेज दिया तो वो तो गई ध्यान में संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को देखा हमेशा भी देखती थी तो बाबा ने कहा मैं कहाँ गया हूँ बाबा ने तो ऐसी साधारण बात की बस बच्चे एक कमरा चेंज किया है और कपड़ा चेंज किया है मैं तो तुम बच्चों के साथ हुई हूँ पहले साकार वतन में अभी आकारी वतन में जब भी बच्चे याद करेंगे बाबा मिलने के लिए आते रहेंगे बच्चों से बाबा मिशराई कहाँ है बाबा गया ही कहाँ है तो फिर उस दिन से लेकर के उस दिन से लेकर के शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों की समीपता हो गई ना संपूर्णता को पाया तो माना वो एकदम आत्मा बाबा के बिल्कुल समीप हो गए दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो हम दोनों के नहीं कहते बाप दादा दोनों अब तब से लेकर के हमारे पास गुलजार दादी के नाम से कन्या है जो इस समय नहीं है रहती है परंतु तो अभी बॉम्बे में गई भी हैं तो उसके तन में बाबा की परविश्ता होती है फिर वो बाबा से तारीख लेके सब बच्चों को नंबर बुलाते हैं नंबर वाजीते क्योंकि हजारों में बच्चे सब बाबा से मिलने चाहते तो एक टाइम में तो मुलाकात हो नहीं सकेंगे इतना बड़ा हाल भी नहीं होता है जिसमें सब बच्चों को तो टर्न देते हैं बाबा से पास करा करके प्रोग्राम बना के गुजरात वालों को भी गिनती मिलती है कि चार सौ पाँच सौ भाई बहने जो नए नए निकले हैं जो धारणा में चल रहे हैं जो नियमों का पालन करें उनको आप ले करके आ सकते हो पर हर एक जोन को टर्न मिलता है उस अनुसार बाबा की परविश्ता होती है और बाबा सभी बच्चों से आके मिलता है ऐसा नया राज पहले किसी को भी पता नहीं है मैं आप लोगों को खोल के बता रही हूं अगर आप भी बाबा से मिलने चाहें तो मिल सकते हो बशर्ते कि पांच खोटे पैसों का त्याग करके स्वच्छ हो दृष्टि अव्यक्त हो ना नहीं तो देहधारी दृष्टि है ना देधारी दृष्टि से हम पहचान नहीं सकेंगे प्रवेशता में अनुभव नहीं कर सकेंगे उसे शक्ति को पहचान नहीं सकेंगे इसलिए जो बाबा के नियमों का पालन करेगा कम से कम एक बरस पालन करके फिर बाबा के सामने आएगा तो नजर मिलाने की शक्ति आएंगे दृष्टि खुली होंगी तो अलमेटी बाबा की शक्ति को आप ग्रहण कर सकेंगे तो मैंने आपको सारी गुप्त बात भी बता दी कुछ रखा नहीं अपने पास तो आप भाग्यशाली आत्मा हो जो फिर भी अभी आए हो और फिर बाबा ने आने के लिए इशारा दिया कि नवंबर मास में बाबा बच्चों से मिलने आएंगे क्योंकि देश विदेश के बच्चे बहुत तरफ थे बाबा से मिलने के लिए तो आपको अभी तरफण तो शुरू हुई नहीं है क्योंकि अभी तो परिचय नहीं है पूरा तो अभी तो आपका पहला दिन है जन्म हुआ है दो दिन के बच्चे हो तो इसलिए मैं तुमको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और अपने बाप से मिलन मना सको ओम शन